हेलो एवरीवन, बात करते हैं खोसला थ्योरी जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर फोर्थ। और आज लेक्चर फिफ्थ की हम बात करेंगे। तो लेक्चर फिफ्थ में आज हम जो खोसला थ्योरी है उसको समझेंगे कम्प्लीटली तरीके से, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो सिंपल प्रोफाइल हमने पढ़े थे खोसला थ्योरी के, तो फर्स्ट प्रोफाइल था का स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस विद द सीट पाइल लाइन ऑन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एंड पे सीट पाइल है फर्स्ट वाले केस में। सेकंड केस में है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर डिप्रेस्ड बिलो द बेड बट विदाउट एनी वर्टिकल कट ऑफ। ओके, तो सेकंड केस में क्या है कि कोई भी कट ऑफ नहीं प्रोवाइड किया गया है। जो थर्ड वाला केस है, थर्ड केस में यह है कि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस विद अ सीट पाइल लाइन एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट। तो कहीं इंटरमीडिएट पॉइंट पे ये सीट पाइल है। तो हमने तीनों केस लास्ट टाइम पे डिस्कस कर लिए थे और इन तीनों केस पे इन्होंने की पॉइंट रखे थे खोसला ने। आपको उन की पॉइंट पे प्रेशर परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है। ओके, तो इसमें कुछ करेक्शन भी लगानी होती। तो करेक्शन जो फर्स्ट करेक्शन है वह है करेक्शन फॉर द म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ पाइल, सेकेंड है करेक्शन फॉर थिकनेस ऑफ फ्लोर, एंड थर्ड वन है करेक्शन फॉर द स्लोप ऑफ द फ्लोर। तो जो करेक्शन वाली है इन करेक्शन को हम डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो साथ साथ हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। एक फॉर्मूला ये हो गया फाइव सी, आपको अगर की पॉइंट सी वन पे कैलकुलेट करना है परसेंटेज प्रेशर, तो उसका फॉर्मूला है 100 माइनस फाइव ई, और फाइव ई आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे। ओके, समझ गए। जो ये लैम्डा की वैल्यू है यहाँ पे, आप इसकी वैल्यू यहां से निकाल लोगे, और जो अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे। ओके, बी एन सी, बी मीन्स द विड्थ ऑफ फ्लोर एंड डी इज द डेप्थ ऑफ पाइल। ओके, तो सारे फॉर्मूला दे रखे हैं, इम्पेरिकल फॉर्मूला है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक न्यूमेरिकल हम अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा हो सकता है, काफी लेंथी न्यूमेरिकल है, इसको हम समझ के पूरा जो खोसला थ्योरी का जो भी आउटपुट है उसको हम अच्छे से समझ लेंगे इसमें। ओके, तो ये एग्जांपल नंबर 11.1। ओके, ये आपके जो बुक है एसके गर्ग उसका ही मैंने यहाँ पे ले रखा है, ये बुक का ही प्रिंट आउट है 11.1। इसको समझ लेते हैं। डिटरमाइन द परसेंटेज प्रेशर एट वेरियस की पॉइंट इन फिगर 11.8। Also determine the exit gradient and plot the hydraulic gradient line for pond level on upstream and no flow on downstream. तो देख लिए यहाँ पे स्टार्टिंग में एक सीट पाइल है, एक सीट पाइल यहाँ पे है नंबर टू वाली, और जो डाउन स्ट्रीम में सीट पाइल है वो यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने आर एल दे रखा है 148, यहाँ पे ये आर एल, यहाँ पे फ्लोर का ऊपर वाला आर एल है 154। ओके, 155 यहाँ पे है, इसका भी 154 है आरएल, और यहाँ पे जो इसका आरएल है 148 है। ओके, ये डिस्टेंस है 15.8 इस फ्लोर की। ओके, डेप्थ आप आरएल को माइनस करके निकाल सकते हो। ओके, ये वाला डिस्टेंस जो है 40 है, और इसका जो आरएल यहाँ पे ये 152। ओके, और यहाँ पे आरएल 141.7। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इन पॉइंट पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये ई टू पे, डी टू पे, सी टू पे, और यहाँ पे ई थ्री पे, डी थ्री पे, और सी थ्री पे फॉर्मूले दे रखे हैं, उन फॉर्मूले की हेल्प से आपको ये कैलकुलेट करना है। तो पहले हम करेंगे अपस्ट्रीम पाइल नंबर वन के लिए निकालते हैं। ओके, इस पाइल के लिए निकालते हैं। तो पाइल नंबर वन के लिए बी की वैल्यू कितनी है, 57.0 विड्थ ऑफ कंप्लीट फ्लोर। ओके, डाउनस्ट्रीम डेप्थ निकालेंगे तो 154 माइनस 148 जो कितना गया 6 मीटर। तो 6 मीटर कहां से आया, यहां से, यहां से और यहां तक कितना आया 6 मीटर, 154 माइनस 148, तो 6 मीटर आया। अल्फा की वैल्यू निकाल लो, बी बाई डी 9.5, और ये आ जाएगा 1 बाय अल्फा जाएगा 0.105। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट किया तो 5C1 आया 71, और 5D1 सॉरी ठीक है 5D1 आया 80। 5C1 यहाँ पे आपको निकालने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे अल्टीमेटली 100% होगा, क्योंकि ये तो उसके नियर बाई है। ओके, यहाँ यहाँ पे प्रेशर स्टार्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 100% आप कंसिडर करो,
यहाँ पे कुछ प्रेशर कम होगा, फिर वापस ऐसे वाटर ऐसे फ्लो करेगा तो कुछ प्रेशर यहाँ पे कम होगा। तो आपको इन की पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना हो, यहाँ पे आपको सी थ्री पे लगभग जीरो लेके आना होता है। ओके, तो सी वन का आ गया 71 और डी वन का आ गया 80। अब इसमें हम लगाएंगे करेक्शन, तो करेक्शन हम साथ ही साथ इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो जो करेक्शन है, फर्स्ट करेक्शन है ओके, जो करेक्शन का फॉर्मूला है 19 अंडर रूट डी अपॉन बी डैश स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल बी। तो कैपिटल डी है डेप्थ ऑफ फाइल नंबर 2, जो होगा 153 माइनस 148। तो 153 कैसे आया, तो 153 देखिए आपको डेप्थ ऑफ पाइल कैलकुलेट करें, तो डेप्थ ऑफ पाइल यहां से स्टार्ट होगा ओके, यहां से और यहां तक, क्योंकि फ्लोर का जो थिकनेस है ये वाला ये है 1 मीटर। तो ये 154 था, तो ये कितना होगा 153, और डेप्थ ऑफ पाइल कितना होगा फिर 153 माइनस 148, तो कितना आया 5 मीटर। स्मॉल डी इज द डेप्थ ऑफ पाइल नंबर 1, तो 153 अगेन 153 माइनस 148, तो कितना आया 5 मीटर। स्मॉल बी डैश डिस्टेंस बिटवीन टू पाइल 15.8, ये डायग्राम में ऑलरेडी है। स्मॉल बी इज द टोटल फ्लोर लेंथ 57.0, तो 57.0 वैल्यू है। तो यहाँ पे इसमें आप वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1.88। अब 1.88 जो है वो होगा पॉजिटिव करेक्शन, ध्यान रखिएगा वो पॉजिटिव करेक्शन होगा। देखो जब भी क्या होगा, वाटर का फ्लो इस तरह से होगा ओके, तो इस साइड में जो वैल्यू आएगा वो होगा नेगेटिव करेक्शन, E2 पे आएगा नेगेटिव करेक्शन, E3 पे आएगा नेगेटिव करेक्शन, C1 पे आएगा पॉजिटिव करेक्शन, C2 पे आएगा पॉजिटिव करेक्शन और C3 पे आएगा पॉजिटिव करेक्शन। ऐसा किस वजह से होगा आपको मैं बताता हूँ। देखो वाटर फ्लो करेगा इस तरह से, वाटर ऐसे फ्लो करेगा ओके, प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा, जैसे ही नीचे आएगा प्रेशर क्या होगा रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही वापस ऊपर जाएगा तो प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा, और ऊपर जाएगा तो प्रेशर यहाँ पर कम होगा। तो अभी हमने जो फॉर्मूले से निकाला था वैल्यू, कौन सी वैल्यू, ये 71, तो 71 में जो हमने वैल्यू निकाली थी, तो 71 में हमने क्या लिया था स्मॉल डी 6 मीटर। यानी कि हम कहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट कर रहे थे, अभी हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे थे यहां पे ओके, हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, तो प्रेशर यहां पे कम होगा, यहां पे प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा, तो हमें ये 1.88 जो है ये एड ऑन करना पड़ेगा करेक्शन फैक्टर में ओके। तो 1.88 जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, तो वो उसको हम ऐड करेंगे 70 वाले पोर्शन में। नेक्स्ट, करेक्शन एट C1 ड्यू टू द थिकनेस ऑफ फ्लोर, थिकनेस ऑफ फ्लोर की वजह से क्या होगा, ये फॉर्मूला है ओके, कोरिलेशन निकालना आपको इसके बीच में, मैक्सिमम 80, यहां पे 80 आया, 80% यहां पे आया था, यहां पे कितना आया था 71% डिवाइड बाय 154 मैक्सिमम माइनस 148 मिनिमम इनटू थिकनेस ऑफ फ्लोर 154 माइनस 153, तो वैल्यू आएगा 1.50 ओके। इस वजह से भी क्या होगा कि फ्लोर थिकनेस की वजह से भी क्या होगा कि यहां पे प्रेशर कम आना था, यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि जब वाटर ऐसे फ्लो करेगा तो ये भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जो करेक्शन एट C1 जो थर्ड करेक्शन था वो होता है स्लोप की वजह से, क्योंकि C1 पाइल पर आप देखो कोई भी स्लोप नहीं है, स्लोप यहां पे है, स्लोप C2 के लिए जब हम करेंगे तब कंसिडर करेंगे स्लोप को, तो C1 पे कोई स्लोप नहीं है, तो यहां पे C1 के स्लोप के लिए क्या आएगा निल आएगा। तो जो करेक्टेड जो वैल्यू आएगी 5C1 की, तो वह आएगा 71 प्लस 1.88 ये वाली वैल्यू प्लस 1.5, टोटल कितना हो गया 74.38%। तो इतना प्रेशर परसेंट है C1 पॉइंट पे ओके, और ऐसे ही निकालेंगे हम, और ये जो D1 का था वो होगा 80%। इस पे जो प्रेशर होगा, जो वैल्यू है D1 का 5D1 का वो 80% रहेगा, क्योंकि वहां पे कोई भी करेक्शंस नहीं अप्लाई करेंगे, जो वैल्यू वहां पे है वो एक्चुअल वैल्यू है यहां पे
ओके डी वन की। यहाँ पे करेक्शन हमें इसलिए अप्लाई करना पड़ रहा था क्योंकि हमने जब इसका डेप्थ लिया था तो हमने यहाँ से टॉप से इसको कंसिडर किया था वहां पे फ्लोर के ऊपर से, बट जो प्रेशर का के पॉइंट है वो फ्लोर के डाउन पे है यहाँ पे। ओके तो आपको 5C1 का करेक्टेड वैल्यू मिल गया है 74.38 और 5D1 का हो गया 80%। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट पाई नंबर 2 के लिए, तो स्मॉल डी की वैल्यू सेम 6.0 मीटर, बी कितना रहेगा 57, अल्फा की वैल्यू बी बाई डी 57.0 डिवाइड बाई 6.0 इंटू 9.5। ओके फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5E2 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 70% और 5C2 का वैल्यू आएगा 56% और 5D2 का वैल्यू आएगा 63%। सिंपल फॉर्मूले वैल्यू पुट करना है, जो फॉर्मूले दे रखे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूले उनके अकॉर्डिंग फॉर्मूले वैल्यू पुट करते रहिए आप लोग। और इसके बाद हम करेक्शंस अप्लाई करेंगे E2 पे और C2 पे, यानी कि हमें D2 पे करेक्शन अप्लाई नहीं करना है। ओके फॉर्मूला आपको मालूम है, ये है म्यूचुअल इंटरफ्रेंस ऑफ पाइल की वजह से जो फॉर्मूला लगता है ये वाला है। अब जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यानी कि जो सीट जो हम E2 पे फॉर्मूला लगाएंगे म्यूचुअल इंटरफ्रेंस वाला वो होगा अब पाइल नंबर 1 की वजह से। ओके जैसे पाइल नंबर 1 पे पाइल नंबर 2 की वजह से लग रहा था करेक्शन, ऐसे ही पाइल नंबर 2 पे पाइल नंबर 1 की वजह से करेक्शन अप्लाई करेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, d इज द डेप्थ ऑफ पाइल नंबर 1, स्मॉल d इज द डेप्थ ऑफ पाइल नंबर 2, b इज डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पाइल एंड स्मॉल b इज द फ्लोर लेंथ। ओके वैल्यू पुट किया 1.88 आया। मैंने क्या कहा था कि जब भी फ्लोर के डायरेक्शन में होगा तो वहां पे आपको नेगेटिव रखना है। ओके यहाँ पे प्रेशर नेगेटिव आएगा, क्यों नेगेटिव आएगा क्योंकि जब हमने इसको यहां से कंसिडर किया था प्रेशर को तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, जब प्रेशर नीचे को आएगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे और कम होगी, यहाँ पे और कम आएगी, यहाँ पे और कम आएगी, तो टॉप टू बॉटम आते हुए E2 पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम रहेगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे नेगेटिव लगाना है यहाँ पे। ओके ये होगा नेगेटिव करेक्शन एट E2 ड्यू टू फ्लोर थिकनेस, सेम वही 70-63, टॉप माइनस लो अगेन 154-148 इंटू फ्लोर थिकनेस 1 मीटर 1.17 आएगा और ये भी नेगेटिव में काउंट होगा। ओके रीजन आपको मालूम है क्योंकि हम यहां पे प्रेशर पहले निकाल रहे थे 154 जो निकाल रहे हैं, हमें यहां पे प्रेशर चाहिए होगा, ऐसे वाटर आ रहा है प्रेशर यहां पे ज्यादा होगा, प्रेशर यहां पे कम रहेगा ना, तो प्रेशर यहां पे ज्यादा होगा यहां पे कम होगा तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करेक्शन लगानी पड़ेगी, तब जाके हम यहां का एक्चुअल प्रेशर इस पॉइंट का कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके तो आपको अब जो करेक्टेड वैल्यू मिलेगी E2 की वो होगा 70-1.88-1.17, तो करेक्टेड वैल्यू है 66.95। ओके अब बात करेंगे C2 पे, तो 5C2 का म्यूचुअल इंटरफेरेंस की वजह से जो करेक्शन लगेगा 5C2 पे लगेगा, उसका जो रीजन होगा म्यूचुअल इंटरफेरेंस वाले का वो होगा पाइल नंबर 3। ओके इसको ये वाला पोर्शन इफेक्ट करेगा, इसको ये वाला इफेक्ट करेगा, इसको ये वाला इफेक्ट करेगा। तो अब बात करते हैं C2, ओके 5C2 के बात करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा 5C2 आपने कैलकुलेट कर रखा ऑलरेडी, वह हमें करेक्शंस लगाना है यहाँ पे। ये फॉर्मूला लगाया डेप्थ ऑफ पाई नंबर 3 वाई 11.3 153-141.7 तो 11.3, स्मॉल डी द डेप्थ ऑफ पाई नंबर 2 5, ओके स्मॉल बी डिस्टेंस बिटवीन पाई नंबर 2 एंड पाई नंबर 3 40 एंड स्मॉल बी द टोटल फ्लोर लेंथ 57, तो वैल्यू आया 2.89, तो ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्यों रहेगा, जैसे हमने 5C1 पे क्या था वही सेम फिनोमेना 5C2 पे भी रहेगा। ओके इसलिए पॉजिटिव आएगा और फ्लोर थिकनेस की वजह से जो आएगा 1.17 ये भी पॉजिटिव रहेगा। ओके और 5C2 पे एक और करेक्शन होगा वो होगा स्लोप करेक्शन, यहां पे देखो स्लोप भी है तो स्लोप करेक्शन में हमें आप अप्लाई करोगे,
अब स्लोप करेक्शन में देखिए, इन्होंने स्लोप करेक्शन लगा रखा है, स्लोप है 3:1। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लेंथ कितना होगा स्लोप का, 3 मीटर, ऐसा ही 3:1 का रेशियो ऐसे बना रखा है। तो ये 3 मीटर है और ये होगा 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 3 मीटर, तो रेशियो कितना बन गया स्लोप का, 3:1। ओके, तो जो करेक्शन इसमें जो लगाएंगे 4.5, अब जो 4.5 वो कहां से आया, 4.5 जो करेक्शन फैक्टर है वो यहां से आया। देखो जो टेबल बना रखी है यहां पे, 3.1 का जब स्लोप रहेगा तो उसके करस्पॉन्डेंस 4.5 का करेक्शन फैक्टर आप लगाओगे स्लोप में। ओके, तो वहां से ये 4.5 आया है, तो 4.5 इंटू थ्री जो वाला डिस्टेंस है, डिवाइड बाई फोर्टी, 4.5 इंटू थ्री डिवाइड बाई 40, तो ये आएगा 0.34, तो ये आएगा नेगेटिव। जब प्रेशर, जब ये ऊपर को जाएगा अपवर्ड को तो नेगेटिव रहेगा, जब डाउनवर्ड को आएगा तो ये आएगा पॉजिटिव। ओके, अगर कोई पाइल यहां पर होती तो उसके लिए इस वाले की वैल्यू क्या आती, पॉजिटिव आती। तो जो इसका करेक्टेड वैल्यू है 56 प्लस 2.89 प्लस 1.17 माइनस 0.34, तो ये आया 59.72। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर ऑफ पाइल की, जो है डाउनस्ट्रीम पाइल स्मॉल डी 152 माइनस 141.7 9.3 स्मॉल बी 57 1 बाय अल्फा इक्वल टू डी बाय स्मॉल बी, वो आएगा 0.181। वैल्यू में फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे तो फाइव डी थ्री आएगा 32% एंड फाइव ई थ्री आएगा 38%। तो करेक्शन लगाएंगे फाइव ई थ्री पे करेक्शन लगेगा। 5E3 पे करेक्शन लगाने के बाद इसमें जो फर्स्ट होगा वो होगा करेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ पाइल, तो कैपिटल डी डेप्थ ऑफ पाइल नंबर 2, क्योंकि E3 पे जो म्यूचुअल इंटरफेरेंस वाला जो लगेगा करेक्शन वो लगेगा पाइल नंबर 2 की वजह से, जैसे C2 पे पाइल नंबर 3 की वजह से लगा था ऐसे E3 पे पाइल नंबर 2 की वजह से लगेगा। तो ये फॉर्मूला है स्मॉल डी डेप्थ ऑफ पाइल नंबर 2.7 स्मॉल सॉरी कैपिटल डी स्मॉल डी डेप्थ ऑफ पाइल नंबर 3 वो आएगा 9.0 स्मॉल बी डिस्टेंस बिटवीन पाइल 40 ये पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 के बीच जो डिस्टेंस है स्मॉल बी द टोटल फ्लोर लेंथ 57 तो वैल्यू आया 1.02 क्योंकि ये फ्लो के डायरेक्शन में है जैसे यहां से फ्लो आएगा तो उसके सामने या E3 आएगा तो यानी कि ये नेगेटिव यहां पे काउंट होगा। करेक्शन ड्यू टू थिकनेस सेम 38 माइनस 32 डिवाइड बाय 152 माइनस 141.7 इनटू फ्लोर थिकनेस 16 डिवाइड बाय 10.3 वैल्यू है 0.76 ये भी रखेंगे हम नेगेटिव। ओके, क्योंकि हमें प्रेशर यहां पे ज्यादा था प्रेशर यहां पे कम रहेगा। ओके, तो यहां पे जो थिकनेस है फ्लोर की वो है 1.3 तो इसलिए आपको नेगेटिव रखना है। यहां पे स्लोप यहां पे नहीं है तो स्लोप वाला करेक्शन अप्लाई नहीं होगा। जो करेक्टेड वैल्यू है 38 माइनस 1.02 माइनस 0.76 वैल्यू है 36.2। ओके, अब जो सारी वैल्यूज जो आई है और 5C3 पे जो वैल्यू रहेगा वो तो जीरो ही रहेगा अल्टीमेटली, वहां तक प्रेशर क्या होगा जीरो हो जाएगा तो उसको कैलकुलेट करने की इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो अपस्ट्रीम पाइल नंबर 1, इंटरमीडिएट पाइल नंबर 2 और डाउनस्ट्रीम पाइल नंबर 3, तो इन पे जो परसेंटेज प्रेशर आया है E1 पे 100%, D1 पे 80%, C1 पे 74%, E2 पे 66.95, D2 पे 63.0, C2 पे 59.72, E3 पे 36.22, D3 पे 32.0 एंड C3 पे 0, तब जाके ही डाउनस्ट्रीम में कोई भी वाटर सीपेज नहीं होगा। प्रेशर कितना होगा जीरो, तो वाटर
बाहर ही नहीं आएगा, यानी कि वाटर सीपेज ही नहीं करेगा। अब आपको निकालना है एग्जिट ग्रेडियंट, तो उसका फॉर्मूला है जी ई इक्वल टू कैपिटल एच डिवाइड बाय स्मॉल डी इंटू वन अपॉन पाई अंडर रूट लैम्डा, और एच की वैल्यू है 6। एच की वैल्यू 6 कैसे आई? मैक्सिमम डायग्राम देख लेते हैं इसके लिए, देखो 158 ये है, ओके, और यहां पे कितना है 152। तो जो हेड लॉस है 158 माइनस 152 वो कितना है 6 मीटर का। तो कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है 6 मीटर। स्मॉल डी जो डाउन स्ट्रीम में जो डेप्थ ऑफ पाइल होगा 152 माइनस 141.7 दिया आएगा 10.3, ओके। द फ्लोर लेंथ 57.0, ओके। अल्फा इक्वल टू बी अपॉन डी जो वैल्यू आएगी 5.53, वैल्यू पुट करो यहां पर आएगा 0.105, ओके। हेंस द एग्जिट ग्रेडियंट सेल बी इक्वल टू 0.105, ओके 0.105 रहेगा एग्जिट ग्रेडियंट, तो जाके वो सेफ रहेगा, यानी कि 1:9.53, यानी कि 9.53 मीटर ट्रेवल करने के बाद जो मुझे हेड लॉस मिलेगा वो 1 मीटर का मिलना चाहिए बस, तब जाके जो ये बैराज है जो ये हेड वर्क है वो सेफ रहेगा। अब आपको ग्रेडियंट लाइन प्लॉट करनी है, ओके, उसके लिए यहाँ पे देखिए फ्लोर कंडीशन डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम जो भी लिखी हुई है, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम 158 152, जो हेड है वो कितना है 6 मीटर का। तो फाइव ई वन पे कितना है परसेंटेज 100 है, हेड कितना है 6, आपको निकालना है फाइव डी वन पे परसेंटेज है 80, तो यानी कि 6 मीटर का जो 80% होगा वो होगा 4.8, ओके। अगेन 74.38% 4.46, अगेन इसका ये वाला परसेंट 4.02, 6 मीटर, क्योंकि हेड लॉस तो टोटल में हो रहा है ना, तो आपको जब 80% आएगा तो यानी कि कितना हेड लॉस हुआ, तो 6 माइनस 4.8 उतना हेड लॉस हुआ, ओके। और जो रिमेनिंग हेड जो बचा हुआ भी लॉस करने के लिए वो है 4.8, तो ऐसे ही वैल्यू निकालते रहोगे तो लास्ट में कितना आएगा लॉस 0, ओके। 158 स्टार्टिंग में है, तो उसके बाद 158 में से अगर आप इसका डिफरेंस माइनस करेंगे 6 माइनस 4.8 को, 6 माइनस 4.8 1.2 होगा, ओके। और उस 1.2 को आप क्या करोगे 150 से माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी यहां पे, तो यानी वैल्यू आएगी सेम इनका डिफरेंस इससे माइनस करो ये वाली वैल्यू आएगी, इनका डिफरेंस इससे माइनस करो ये वाली वैल्यू आएगी, इनका डिफरेंस ये वाली वैल्यू, ऐसे निकालते रहोगे तो एंड में ये वाला वैल्यू बच जाएगा 152, ओके। इसको प्लॉट करेंगे आप देखिए, एक हेड लॉस यहां पे 158 था, पाइल नंबर 1 की वजह से जो हेड लॉस आएगा ये कट ऑफ की वजह से जो हेड लॉस यहां पे आएगा वो आएगा 156.4, फिर ये हेड लॉस यहां पे आएगा 156.02, यहां पे आएगा 155.58, अगेन यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा और लास्ट में आएगा 154.68, और इसकी वजह से जो हेड लॉस होगा इस पाइल की वजह से जो हेड लॉस आएगा वो सीधा यहाँ पे इतना ड्रॉ डाउन हो जाएगा वो आएगा 0, यानी कि 154.68 माइनस 152 करेंगे अगर आप लोग तो उतना यहाँ पे हेड लॉस होगा, वो हेड लॉस यहाँ पे क्या कर देगा पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, ओके। तो ये हो गया आपका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो प्लॉट करनी थी, और ऐसे आपको कैलकुलेट करना है हर एक की पॉइंट पे परसेंटेज ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है E1 पे C1 पे E2 पे C2 पे E3 पे और C3 पे, और साथ साथ आपको करेक्शंस भी लगाते रहना है। करेक्शंस जो तीनों करेक्शन है, एक है म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ पाइल,
सेकेंड है करेक्शन ड्यू टू फ्लोर थिकनेस और थर्ड है करेक्शन ड्यू टू स्लोप। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस पाइल के पास में कौन सा स्लोप है, वहाँ पर आप उसको अप्लाई करोगे। ओके, आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा न्यूमेरिकल अच्छी तरह से। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू।